अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। संसद के अंदर कुछ समय पहले रोहित वेमुला घटना को लेकर खूब हंगामा हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने इसे खूब भुनाने की कोशिश की थी, जिसमें भाषण देते हुए कांग्रेस पार्टी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार पर दमदार तरीके से हमला बोला था। इसके जवाब में जब बोलने के लिए स्मृति ईरानी आई तो स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस को बेनकाब कर दिया। सुनिए दोनों नेताओं का यह दमदार भाषण। मैं सहमत हूँ कि आज देश की अगर एक आधारशिला है तो वो युवाओं में है, वो ही हमारी ताकत है। लेकिन आज देश के युवाओं की क्या स्थिति है? अध्यक्षा महोदय, आपके और हमारे राज्य में मध्य प्रदेश में व्यापम का कारण, पंजाब में ड्रग्स पूरी तरह से प्रादेशिक स्तर पर व्यापक, एफटीटीआई की संस्था पर लोगों की आवाज को बंद की जा रही है। रोहित वेमुला जी की आत्महत्या, दर्दनाक मौत, और इसमें केंद्र मंत्री के आदेशों के दबाव में आकर ये घटना घटी, जिन मंत्रियों ने संविधान की शपथ ली थी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। और ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि अगर कोई विचारधारा आप और मुझसे भिन्न हो तो उस विचारधारा को कुचला जाना चाहिए, यही इस सरकार की सोच है। कार्ल सगान की तरह ये विज्ञान का लेखक बनना चाहता था, इनकी मां एक दर्जी, इनके पिता एक सुरक्षाकर्मी, अपने जीवन के कमाई के आधार पर इस नौजवान को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने पीएचडी परस्यू करने के लिए एडमिशन दी गई। लेकिन इस नौजवान ने, अध्यक्षा महोदय, एक गलती की है। उसने एक गलती की है कि जो वो सोचता था उसे व्यक्त करने की साहस उस नौजवान ने रखी। एक जोशपूर्ण छात्र था, अनेक मुद्दों पर चर्चा करता था, बाबा साहब अंबेडकर जी की चर्चा करता था, बीफ बैन पर, सांप्रदायिक दंगों के आधार पर, हां, और आंदोलन और झगड़े, अध्यक्षा महोदय, विश्वविद्यालय, किसी भी विश्व के विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। पर चाहिए हमें एक ऐसा कुलपति जो उस स्थिति को संभाल पाए और सुलझा पाए। पर इस कुलपति ने तो हर हद को पारित कर दी। रोहित के साथ चार छात्रों को निलंबित किया, केवल निलंबित नहीं किया अध्यक्षा महोदय, उसकी छात्रवृत्ति को भी भंग कर दी और उसके साथ उसको हॉस्टल से भी बर्खास्त कर दिया, मजबूर कर दिया टेंट पे बाहर रहने के लिए, और कॉलेज परिसर से भी उसे वर्जित किया गया, प्रवेश उसकी वर्जित की गई। आर्थिक और सामाजिक दबाव उस पर डाला गया। और इसलिए क्यों? क्योंकि भाजपा और संघ परिवार की राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ी और हिंदू शास्त्रों को भी छिन भिन कर दिया। उस कुलपति ने अधिकार और बहिष्कार के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया, पिटिंग द एक्सक्लूडेड अगेंस्ट द एंटाइटल्ड। और इसी सोच और विचारधारा में, अध्यक्षा महोदय, हमारे सरकार के केंद्र मंत्रियों ने भी, अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर मैं कहूं कि अनुचित दखलअंदाजी उसमें की है। उसके बाद हमारी मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी जी, 4 महीनों में 5 चिट्ठियां लिखी गई कि जल्द से जल्द तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्षा महोदय, मैं विवश हूं पूछने के लिए सदन में, क्या बाबा साहब अंबेडकर के राह में चलना राष्ट्रद्रोह का राह है? इस प्रश्न का उत्तर हमें इस संसद में देना होगा। पूरे प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया गया ताकि संघ परिवार की नीति और कार्यक्रम सफल हो पाए। और असलियत यह है कि कुछ छात्रों के खिलाफ पूरा भारत सरकार का पहाड़ टूट पड़ा। हमने कभी भी इतिहास में किसी भी विश्वविद्यालय में ही देखा है कि भारत सरकार का इतना हस्तक्षेप हो एक विश्वविद्यालय के कार्यप्रणाली के आधार पर। और एक तरफ
यह सरकार बाबा साहब अंबेडकर की मूल्यों की प्रचार कर रही है और बाहर जाकर दलितों के ऊपर अत्याचार कर रही है। ये इनकी कथनी और करनी में अंतर। और अध्यक्ष महोदय, असलियत इस सरकार की इनका पर्दाफाश धीरे धीरे जरूर हो रहा है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, हमारे प्रधानमंत्री साधारण तौर पर हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, लेकिन इस नौजवान छात्र के आत्महत्या पर 5 दिन बाद इन्होंने चुप्पी तोड़ी। पांच दिन बाद, और वो भी जब ये एक विश्वव्यापक मामला बन चुका, और जब मन की बात का समय आया तो एक शब्द इस नौजवान के बारे में। माँ भारती के उस लाल को तो हम उनकी माँ के यहां नहीं वापस लौटा सकते, लेकिन कम से कम अगर उसकी आत्मा को शांति देनी होगी तो इन मंत्रियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। हम चाहते थे अध्यक्ष महोदय एक्शन लिया जाए, लेकिन एक्शन के बजाय मैं तो आश्चर्यचकित रह गया जब कैबिनेट में इस बात पर बहस हो रही है कि एक साधारण छात्र दलित है या नहीं, और इसमें सरकारी हर तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है राजनीति में अध्यक्ष महोदय, 15 साल ही हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना। सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखो भैया, सुनने की क्षमता रखो, अपनी असहिष्णुता का परिचय मत दो। पर मैंने कभी ये नहीं देखा अध्यक्ष महोदय कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रिपोर्ट दे रहे हैं कैबिनेट को कि एक व्यक्ति, एक नागरिक का इस देश का दलित है या नहीं है। एनएसए का रिपोर्ट आता है कि ये दलित है नहीं है। कुछ लोग शायद उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये संघियों की पार्टी है, ये माइनॉरिटी को एक इनसिक्योर एनवायरमेंट में रखते हैं। आज उनसे कहना चाहती हूं कि 12 फरवरी 2015 को एक छात्र ने मुझे लिखा कि उसकी स्कॉलरशिप फेलोशिप नहीं मिल रही है। छात्र कश्मीर का था, नाम उसका इकबाल रसूल दर। मैं ये कह रही हूं क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फेलोशिप नहीं मिल रही थी, उन्होंने गुहार लगाई। 1 माह के अंतराल में 1 लाख से भी ज्यादा की उनकी फेलोशिप का न्याय मैंने अपने मंत्रालय के माध्यम से किया। मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करती हूं कि आज इस सदन में कई लोगों ने आरोप लगाया और कहा किस अधिकार के साथ तुम चिट्ठियां लिखती हो। आई एम कमिंग टू द इशू सर, हैव पेशेंस। You accuse us of intolerance, be tolerant. Suna. Hear my answer, sir. I am giving my answer. Or do I claim to be a victim of my circumstances and say that I am married to a micro-minority family? I am a woman, hence you disallow me to speak in this house. Do not, sir, play your politics with me. Let me give you an answer today that I have patiently waited for days to give. मुझसे कहा गया किस अधिकार के साथ आप जवाब देती हैं। मेरे पास पत्र प्लीज सांसद के भी कई आए हैं। यू ऑल्सो ऑल ऑफ यू वी हैव टेकन हनुमंत राव जी, प्लीज लिसन, यू विल हैव टू। मेरी पार्टी के सांसद नहीं है, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। जाइए, मत सुनिए जवाब, क्योंकि आपकी इच्छा जवाब सुनने की थी ही नहीं, नियत में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं आज। जवाब सुनिए सिंधिया साहब, मुझसे आपने कहा ना कि बैठो बैठो सुनो, अब सुनने की बारी आपकी है, सुनिए। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी और मुझे आज सूली पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेठी लड़ने की ये सजा देंगे मुझे, तो सुनिए आज मेरा जवाब। नारायण स्वामी जी के पत्र में लिखा है,
communication received from members of parliament. Please, madam. Specify that such communication should be attended to promptly and acknowledged within 15 days, followed by a reply. Within 15 days. Please. Shame on you, madam. You don't have the courage to listen to what I have to say. You just want to do your politics. Hear what I have to say if you have the courage today. I am taking it personally. I'll tell you why. कैसे इस्तेमाल किया इस बच्चे का, उसका आज प्रमाण देती हूं. केसीआर जी को मैंने फोन किया सुबह, जैसे ही मेरे पास घटना की सूचना आई. उनकी सरकार है मात्र ये गुहार लगाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, मदद कीजिए मेरी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है. मुझे क्या कहा गया, साहब बिजी हैं, अभी बात नहीं कर सकते. मैंने सार्वजनिक बयान नहीं दिया, रिकॉर्ड पर है मेरा कॉल. उनकी पुत्री से भी मैंने इसका उल्लेख किया. मैंने कभी सार्वजनिक बयान नहीं दिया मुख्यमंत्री जी के खिलाफ. सोचा व्यस्त होंगे, लेकिन आज तक उनके कॉल का इंतजार कर रही हूं, नहीं आया. आई सो सर, अलाउ मी टू फिनिश. नाउ लेट मी मैडम, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसे ओएसी साहब और मैं गुहार लगा रही हूं मदद की, कैबिनेट मिनिस्टर. मैं गुहार लगा रही हूं मदद की, कैबिनेट मिनिस्टर. आज मैं कहती हूं और आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि पुलिस ने जो तेलंगाना के हाई कोर्ट में दस्तावेज दिए हैं उसमें क्या लिखा गया है. उसमें यह लिखा गया है कि पुलिस को सूचना शाम को 7:20 को मिलती है. उसमें यह लिखा गया है कि जब पुलिस वहां पहुंचती है मौकाए वारदात पर, एंड आई एम कोटिंग मैडम, माय फ्रेंड्स इन तेलंगाना कैन पॉसिबली हैव एक्सेस टू दैट डॉक्यूमेंट एंड वेरीफाई इट, एंड इफ आई एम रॉन्ग कैन करेक्ट मी. पुलिस ये कहती है दैट व्हेन दे रश टू द यूनिवर्सिटी, नो नथिंग, दे फाउंड द रूम ओपन, डेड बॉडी रिमूव्ड फ्रॉम द हैंगिंग एंड केप्ट ऑन अ टेबल. अ हैंड रिटन सुइसाइड नोट वॉज रिटन विच डिड नॉट ब्लेम एनी बॉडी एंड स्पेसिफिकली स्टेटेड दैट नो बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट. माई रिक्वेस्ट इज मैडम, दिस इज नॉट माई सबमिशन but that of the police in a state which is not politically. She is not yielding. I know, sir. That's why I'm saying. If I'm wrong, correct me. No, nothing. इस खबर में बस इतना ही. खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी अधिक खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए न्यूज़ टाइम्स 24 को.